मैंने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के बारे में कुछ चीजें बताई आप लोगों को। आज हम लोग रैंक जो मल्टीप्लिसिटी है ना, अल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का जो रिलेशनशिप है वो हम लोग प्रूव करेंगे कि हम कैसे कहते हैं कि अल्जेब्रिक हमेशा ज्योमेट्रिक से या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी मल्टीप्लिसिटी। तो आखिर ऐसा कहने का कोई आधार तो होगा, तो वो प्रूव किया जाएगा। उससे पहले मुझे लगता है एक बार मुझे रिकॉल करा लेना चाहिए कि मैं क्या क्या आपको समझा रहा हूं, ताकि कोई दिक्कत किसी बच्चे को होनी नहीं चाहिए। तो एक शब्द हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, करेक्टरिस्टिक सब स्पेसेस या सब स्पेस। क्योंकि कई सारे करेक्टरिस्टिक वैल्यू हो सकती हैं, तो ये आपके पास क्या है। हम लोग कर चुके हैं इस बात को। मान लेते हैं मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। सपोज इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा ताकि नेक्स्ट थ्योरम हम लोग समझ सकें। लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू, तो फिर आप कहेंगे देन एक्स नॉन जीरो होगा इज कॉल्ड, इतना हम सब कई बार पढ़ चुके हैं, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, या फिर आप ऐसे लिखें ए माइनस लैम्डा आई टाइम्स एक्स इक्वल टू नल वेक्टर। ये हमने कितनी सारी बार कर लिया है कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर इसको कहते हैं। ठीक हो गया। तो बच्चों इसके बाद हमने ये पढ़ा है कि ये हमारे पास जो इक्वेशन वन है वो लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इक्वेशन सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, आप ये भी लिख लीजिए इक्वेशन वन रिप्रेजेंट्स लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम। तो सबसे पहले इसकी रैंक जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो ऐसा करते हैं इसकी जो रैंक है ए माइनस लैम्डा आई, इसकी रैंक को हम आर मान लेते हैं, और ए एन बाई एन मैट्रिक्स है, ऊपर पहले ही लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इसके एन माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, ऐसा पढ़ा था। तो समराइज इक्वेशन वन विल हैव एन माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ऐसा पढ़ा है या नहीं हमने अब तक। तो ये हमारे पास अभी तक की इंफॉर्मेशन है। ठीक, अगर आप कोई एक्स निकालते हैं जो इक्वेशन वन का सॉल्यूशन है, तो या दो एड्स निकाल दें, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी जो होगा इक्वेशन वन का सॉल्यूशन होगा, ये भी जानते हैं हम। इज नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन
ऑफ दीज सॉल्यूशंस, कौन से सॉल्यूशन जो इक्वेशन वन के सॉल्यूशंस, इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन. ऐसा है ना? तो जो भी सॉल्यूशन होगा इक्वेशन वन का, तो वो भी आइगन वैल्यू, उसको भी आइगन वेक्टर कह सकते हैं या नहीं? जो इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन सिस्टम को, उसे आइगन वेक्टर कह सकते हैं, नॉन जीरो है तो. यस सर. तो हम कोई दो सॉल्यूशन है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन है, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन आइगन वेक्टर भी है. क्लियर है ना? यस सर. इट विल बी एन आइगन वेक्टर ऑफ ए. तो जो सॉल्यूशन है वो आपके पास ये है. तो मैं अगर ये इट्स सॉल्यूशन, ये वी एन डिफाइन करूं, एट वो सारे एट्स सच दैट ए माइनस लैम्डा आई टाइम्स एट्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और इसमें जीरो वेक्टर और जोड़ लूं, तो ये सबस्पेस हो जाएगा या नहीं? पहले वाले में एट्स नॉन जीरो होता है ना, इसमें आप क्या करते हैं, एट्स कैसा होता है, नॉन जीरो, और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो सब उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ यूनियन जीरो वेक्टर. तो क्या ये सब स्पेस होना चाहिए नहीं वेक्टर स्पेस का? यस सर. तो इसे कहते हैं बच्चों करैक्टरिस्टिक सब स्पेस ऑफ मैट्रिक्स. हमने जो हेडिंग डाला है करैक्टरिस्टिक सब स्पेस क्या है, मैं आप लोगों को ये बता रहा था. ये करैक्टरिस्टिक सब स्पेस क्या होता है? तो बेसिकली आपके पास करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स का जो कलेक्शन है उसमें अगर आप जीरो वेक्टर भी जोड़ दें तो वह सब स्पेस है. तो सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस एन कह लेते हैं, सॉरी तो वेक्टर स्पेस जो एन डायमेंशनल होगा उसका ये सब स्पेस होगा, और इसी को आप कहते हैं करैक्टरिस्टिक सब स्पेस. ये आया. और अब बात यह है कि ये है क्या, मतलब सॉल्यूशन तो हो गया. तो जो मैट्रिक्स आपके पास ए माइनस लैम्डा आई है उसमें कॉलम नल स्पेस अगर आप निकाले, कॉलम नल स्पेस, तो ये वही है. मैं आपको ऐसे लिख देता हूं, ये और कुछ नहीं है, ये वही है. इट इज नथिंग बट द कॉलम नल स्पेस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, इट्स डायमेंशन आपने अभी कहा कि इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट एन माइनस आर सॉल्यूशन है, तो यही डायमेंशन हुआ. क्योंकि डायमेंशन जो होता है बच्चों वो बेसिस आप याद होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो यही सॉल्यूशन है. इट्स डायमेंशन एन माइनस आर जो आपके पास है इसी को कहते हैं, इज द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. यह आप लोगों ने क्वेश्चन के थ्रू जान भी लिया, मैंने डिटेल फिर समझा दे. द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, तो इस आइडन वैल्यू की जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो ये है कि इसके कितने वेक्टर स्टेशन नॉन जीरो एसोसिएटेड हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं वो, तो वह एन माइनस आर. आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको. तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर समझ में आए.
अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी समझ में आई, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी समझ में आई, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए प्लीज। अगर डाउट है तो मैं समझाता हूं, नहीं डाउट है तो अब मैं थ्योरम पे आता हूं सीधे। क्या अल्जेब्राइक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्लियर है आप सब लोगों को? चलिए ठीक है फिर। तो सिल्वेस्टर साहब थे, जे जे सिल्वेस्टर, काफी शानदार ड्रामा है सिल्वेस्टर का। रैंड नलिटी थ्योरम जो है वो रैंड मल्टीप्लिसिटी थ्योरम पे उन्हीं का ड्रामा है, लीनियर अलजेब्रा में लाजवाब ड्रामा है सिल्वेस्टर का। तो उन्होंने कहा है द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक रूट कैन नॉट एक्सीड इट्स अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो हम इसे प्रूफ करते हैं, कई दिनों से हम इस पे बात करते हुए आ रहे हैं, अभी तक हमने प्रूफ किया नहीं, तो हमें सर ज्यादा नहीं होगा तो बराबर या कम ही होगा, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं देखते हैं। तो चलिए शुरुआत वहीं से हमेशा की तरह। मैं मान लेता हूं कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए आई जे एन बाई एन ऑर्डर का है, लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए विद ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एम मान लेते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स मिलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट उनकी संख्या एम होगी, यही मीनिंग हुआ या नहीं? लैम्डा की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एम है, इसका मतलब है लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स की संख्या होगी जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वो एम होंगे ना। यस सर। यस सर। देयर एग्जिस्ट एम लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स, मान लीजिए एट्स वन अप टू एट्स एम सच दैट, और ये सब के सब छोटे आइगन वेक्टर हैं, तो एट्स आई इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एट्स आई, जहाँ आई वन टू थ्री अप टू एम है, तो ये सब छोटे आइगन लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये ध्यान रखना है, कॉलम वेक्टर है ये भी ध्यान रखना है, और इस तरह से आपके पास ए आई एट साइड को लैम्डा एट साइड सेटिस्फाई भी कर रहे। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा हमने कुछ दिन पहले एक चीज बात की थी, मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है ये, इसका ये हिस्सा है जिसमें मेरे पास कुछ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं एट्स एम, और ये पूरा वेक्टर स्पेस है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कलेक्शन है, तो या तो ये बेसिस होगा या इसमें कुछ वेक्टर और जोड़ दें तो फिर भी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही बना रहेगा, और ये सब मिला के बेसिस बन सकता है नहीं? यस सर। अगर हाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट कलेक्शन है तो
या तो वो बेसिस होगा, और अगर वो नहीं है बेसिस तो उसमें कुछ और वेक्टर्स इस तरह से जोड़े जाएं कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन भी लीनियरली इंडिपेंडेंट बना रहे और उसका लीनियर स्पेन पूरा वेक्टर स्पेस को डेवलप कर दे। इतना समझ में आता है तो मैं इसे लिख देता हूँ, सबको क्लियर है इतना? ऐसा होता है, मैंने शायद पता नहीं क्वेश्चन कराया नहीं कराया, लेकिन ये तो बताया था इतना तो शायद। बल्कि कैसे नए वेक्टर्स को ऐड करते हैं ये भी शायद मैंने बताया था। यस सर, एक ऐसा नया वेक्टर लेना है जो पहले के लीनियर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से ना आता हो, जैसे आई और जे हैं तो उनसे कॉम्बिनेशन से के कभी नहीं आ सकता, तो के लेके भी अभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ही रहेगा। इसी तरह से ऐड करते जाओ, याद है आपको? यस सर, ठीक, द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, यही बात लिख देते हैं फिर। द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एट्स एन से लेके एट्स एन तक, दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ वीएन। ठीक है, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया और हमने कहा लेट एक्स वन से लेके एक्स एम तक तो पहले से ही था, उसी को आगे बढ़ाया एक्स एम प्लस वन अप टू एक्स एन, क्योंकि एन डायमेंशनल था, ये हो गया। और मान लेते हैं दिस बी अ बेसिस ऑफ प्लेन, सपोज ये एक बेसिस है, तो बेसिस है तो आप जानते हैं बेसिस जो है ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, सिंस बेसिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो द मैट्रिक्स, अगर इनको कॉलम मैट्रिक्स माना जाए, कोई मान लीजिए पी मैट्रिक्स है और जिसके ये कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वन एक्स एम प्लस वन एक्स एन, तो आप बताइए ये नॉन सिंगुलर होगा या नहीं? कुछ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो उनसे बनने वाला डिटरमिनेंट, मान लेते हैं मेरे पास तीन वेक्टर हैं आई जे के आर थ्री में, थ्री डायमेंशन एक मैट्रिक्स बनाता हूं जिसमें पहला कॉलम आई है। आई का मतलब क्या होता है बच्चों? पहला कॉलम आई है, दूसरा कॉलम जे है मतलब, और तीसरा कॉलम के है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो आप गौर करिएगा डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा, ऐसा होता है या नहीं देखिए। यस सर, तो ये जनरल प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और वो कॉलम वेक्टर ही तरह है तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, ऑब्वियस है, फिर रो में भी वही कहानी आएगी, रो कॉलम डिटरमिनेंट में तो सेम आ जाना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये नॉन सिंगुलर होगा, तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा ना? यस सर, सर दिस एम्प्लाइज पी इनवर्स एडजस्ट लिख देता हूं, समझ में आ जाता है सब। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इस पी इनवर्स और पी जो था इससे दोनों साइड ए के दोनों साइड जो ए था मल्टीप्लाई करता हूं। नाउ बच्चों ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जुड़ जुड़ के थ्योरम बन रही है, ध्यान से सोचो समझिए, एक कंसेप्ट पूरा हो गया। नाउ वी कंसिडर द मैट्रिक्स, हम एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं पी इनवर्स ए पी। अब ये बताइए एक्स पी का पहला कॉलम एक्स वन है ना,
सर। पी का पहला कॉलम क्या है? एक्स वन है, तो मुझे पी इनवर्स एपी का पहला कॉलम निकालना है। देखते हैं कैसे, जरा देखिएगा प्रोसेस को, छोटे छोटे स्टेप में हम ऐसा करें ना, इसे तोड़ दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इसे स्टेप वन सोचिएगा, तो अब मैं सेकंड स्टेप मार, स्टेप टू कर लीजिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा नया है, अब अलग है। तो मैं ये कह रहा हूं, सिंस एक्स वन इज द फर्स्ट कॉलम, एक कॉलम निकल जाए तो बाकी सिमिलर वे में निकल जाएंगे। फर्स्ट कॉलम ऑफ पी, दिस इंप्लाइज फर्स्ट कॉलम ऑफ पी इनवर्स ए पी इज पी इनवर्स ए, इसका पहला फर्स्ट कॉलम रख दीजिए। तो आप प्लीज, फर्स्ट कॉलम क्या है इसका, पी का? यहां पर फर्स्ट कॉलम रख दीजिए ना, पीछे पूरे पी को रटने के बजाय। तो ए एक्स वन रखती है, समझ में आया या नहीं आया? यस सर, यस सर। पी का पहला कॉलम एक्स वन है बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप इसे देखिए, ये अभी लिखा तो है यहां पर, ये तो ये मैंने यहां रख दिया। अब ए एक्स वन लिख दिया, लेकिन अब जरा पीछे इक्वेशन पे जाइएगा। सबसे पहले हमने जो लिखी है ये इक्वेशन, आप इसे चाहें तो कुछ नहीं तो वन ही सही। तो बच्चों इस इक्वेशन वन से ए एक्स वन की जो है क्या रख सकता हूं अब मैं, लैम्डा एक्स वन, लैम्डा एक्स वन। लैम्डा, ठीक हो गया। तो मैं यहां लिख देता हूं इक्वल टू पी इनवर्स लैम्डा एक्स वन यूजिन वन। तो लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, पी इनवर्स एक्स वन ये आपके पास आ गया, ठीक है। यस सर। जिस समय आप, एक बात सोचिए, पी इनवर्स पी करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको आइडेंटिटी मिलेगा, लेकिन अगर आप पी इनवर्स इंटू एक्स वन करेंगे तो पूरा पी नहीं लिया, केवल उसका पहला कॉलम लिया, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम मिलेगा या नहीं? यस सर, अरे भाई, पी इनवर्स एक्स वन से एक्स एन तक कर किया आपने तो आपको आई एन मिला। तो अगर आप पी इनवर्स जो केवल पहले के साथ मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट कॉलम ऑफ आई एन मिलेगा या नहीं? यस यस सर। सर, ये बहुत अच्छा लॉजिक है, अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो। अब मुझे लगता है मुझे लिख देना चाहिए, आप लोग फिर गड़बड़ाएंगे। अगर ये समझ में आ गया बच्चों तो आपको 70% थ्योरम समझ में आ गई। आप यहीं पर फंसते हैं अधिकतर लोग जो प्रूफ पढ़ रहे हो, जो नहीं पढ़ रहे हैं फिर तो फंसने का चांस ही नहीं है। अब ये देखिए, सिंस पी इनवर्स पी, तो जाहिर सी बात है कि आई एन होगा। इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, पी इनवर्स ऑफ एक्स वन से लेके एक्स एन तक, तो आप पूरा आई एन ले रहे हैं। सो पी इनवर्स एक्स वन इक्वल टू फर्स्ट कॉलम ऑफ आई एन, तो वो तो 1 0 0 0 ऐसा आएगा या नहीं आएगा? फर्स्ट कॉलम ये तो यस
ये एन बाई वन होगा, तो मैं दोबारा लिख रहा हूं ये वाली लाइन अब। सो फर्स्ट कॉलम ऑफ पी इनवर्स एपी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स पी इनवर्स एक्स वन किया है आपने, और वो पी इनवर्स एक्स वन अभी आपने निकाला है 1 0 0 एन बाई वन। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, यस तो बच्चों हो गया बाकी तो सिमिलरली फर्स्ट कॉलम ऑफ पी इनवर्स एपी अगर ये है तो सिमिलरली अदर कॉलम्स या सेकेंड थर्ड एमएथ कॉलम्स ऑफ पी इनवर्स एपी विल बी, दूसरा क्या होगा, 0 लैम्डा फिर 0 0 और लास्ट 0 0 फिर लैम्डा रेस्पेक्टिवली। तो आपने पी इनवर्स एपी का हर एक कॉलम ढूंढ निकाला। बच्चों ये सारी चीजें आपको अभी डायगोनलाइजेशन में भी मदद करेंगी, ये जो समझ आपकी बन रही है। यहां तक क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है। तो फिर फाइनली सो द मैट्रिक्स पी इनवर्स एपी विल बी ऑफ द फॉर्म एक तो लैम्डा टाइम्स आई एम आ गया आपके पास, जीरो आएगा, चेन के अलावा भी कोई एलिमेंट आ सकते हैं उसमें, बाकी कुछ आते हैं तो वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, उनको ऐसे लिख के भी कुछ नहीं होना है, बेसिकली इसी का रोल आना है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ब्लॉक मैट्रिक्स यस में, लैम्डा टाइम्स कॉमन ले लिया हो, लेकिन वो आई एम होना चाहिए ना, मैंने आई एम तक तो मैंने ऐसे लिख दिया है, बाकी ऐसे लिख दिया है। बच्चों ऐसा लिख सकता हूं, यस सर। तो फिर आपके पास पी इनवर्स एपी माइनस सम एच टाइम्स आई अगर आप करें जैसे लैम्डा करते थे तो क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स में से कम होंगे तो यहां पर आ जाएगा लैम्डा माइनस एक्स आई एम, इसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, ये बी वन माइनस एक्स टाइम्स, ये जो मैट्रिक्स अब यहां लिखना पड़ेगा आपको यूनिट, ये कितना होगा टोटल एन, और एम ऊपर आ गया तो एन माइनस एम ऐसा लिख दूं, यस सर। टोटल एन ऑर्डर का है एन बाई एन, तो एन बाई एन को मैंने थोड़ा आई एम ऊपर है तो बाकी ये लिख दिया ऐसे, टोटल मैट्रिक्स एन बाई एन का ही होगा। अच्छा तो फिर अगर आप इसका डिटरमिनेंट ले लें पी इनवर्स एपी माइनस एच आई डिटर्मिनेंट,
तो जब डिटरमिनेंट लेंगे तो लैम्डा माइनस एक्स आई एम में आप ध्यान दीजिए, ये एम बाई एम का यूनिट मैट्रिक्स है, इसके हर कॉलम रो में एट जो लैम्डा माइनस एक्स होगा कॉमन आएगा, तो लैम्डा माइनस एक्स कितनी बार आ जाएगा? मैंने आपको बताया भी था लैम्डा आई एन अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास है ए, तो डिटरमिनेंट ए कितना होगा? लैम्डा टू पावर है। ऐसा बताया होगा बच्चों? यस यहाँ लैम्डा ही जो लैम्डा माइनस एक्स समझो वो नंबर है और वो आई एम मैट्रिक्स के साथ है, तो वो लैम्डा माइनस एक्स टू द पावर एम आएगा या नहीं? इनटू डिटरमिनेंट बी वन माइनस एक्स आई एन माइनस एम, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर ठीक है, पांच यस तो जीरो आएगा दूसरे डायगोनल में। तो अब ये बताइए लैम्डा माइनस एक्स की पावर एम जो है, ये जो रूट आ रहा है ये वाला, ये कितनी बार है? एम बार ना, यस सर तो इसकी जो एल्जेब्रिक मल्टीप्ल, और हो सकता है कि आगे वाले में से भी एक्स निकले, तो एक्स के लिए हम कह रहे हैं हिस्ट्री मल्टी अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कम से कम एम है, या एम या उससे ज्यादा भी हो सकती है, एम तो है ही। तो मैं यहां पर यह बात लिख देता हूं, लैम्डा माइनस एक्स टू द पावर एम इज अ फैक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पी इनवर्स एपी माइनस एक्स आई। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बने बच्चों, ये पॉलिनोमियल है इक्वल टू जीरो करते ही ये इक्वेशन हो जाएगी। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अंतर इतना ही तो है, तो अभी ये इक्वल टू जीरो नहीं किया आपने, तो अभी पॉलिनोमियल मान लीजिए। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक आप ले रहे हैं ये पी इनवर्स ए पी माइनस एक्स आई, इसकी जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर है ना ये लैम्डा माइनस एक्स टू, तो यस सर दिस इंप्लाइज लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू। अगर फैक्टर है तो इक्वल टू जीरो करके आइगन वैल्यू भी हो रहा है। आइगन वैल्यू किसका आइगन वैल्यू होगा? ये पी इनवर्स एपी का ऑफ द अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, एटलीस्ट एम, कम से कम इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एम तो होगी। क्योंकि अगर आपके पास, आप इसको ऐसे समझिएगा, कोई बच्चों आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन में लैम्डा माइनस फाइव की पावर टेन आ रहा है और समथिंग कुछ और आ रहा है, तो लैम्डा इक्वल टू फाइव आप कह सकते हैं ना इज अ रूट ऑफ ऑर्डर एटलीस्ट टेन, कम से कम टेन तो है ही, क्योंकि हो सकता है यहां से भी मिल जाए अभी लैम्डा, हमें पता नहीं है। तो लैम्डा की मल्टीप्लिसिटी कम से कम दस तो है ही, ये तो गारंटी है ना, यस सर कम से कम दस है, मतलब हो सकता है और भी मिले, तो एटलीस्ट कह रहा हूं मैं, तो एटलीस्ट का मीनिंग ये था बच्चों। तो पी इनवर्स एपी जो है, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पी इनवर्स एपी ऑफ द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एटलीस्ट एम, ठीक हो गया। लेकिन बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि कोई मैट्रिक्स में ए में और पी इनवर्स एपी में आइगन वैल्यू सेम होती है, ऐसा पढ़ा था, ये पढ़ा था नहीं? इसलिए दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वल यस सर सेम होती है, तो बट ए एंड पी इनवर्स एपी हैव सेम आइगन वैल्यू। मैंने ये भी कहा था कि इनके आइगन वेक्टर डिफरेंट होंगे, सेम आइगन वैल्यूज,
तो वो आइगन वेक्टर पे बाद में आएंगे, अभी वो इस सब आएगा, जिक्र एक एक करके सारी चीजों का आना ही आना है बच्चों। लेकिन ए और पी इनवर्स एपी के आइगन वैल्यूज तो सेम ही होते हैं, तो मैं लिख सकता हूं इसके आधार पर दोबारा ऊपर वाली लाइन, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पी इनवर्स एपी की, जो ए लिख देता हूं अब, ऑफ द अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एटलीस्ट एम, तो इसका मतलब है अगर एक्चुअल मल्टीप्लिसिटी है तो ऐसे लिख दूं, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ऐसा होगा या नहीं होगा? चाहे ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन का मीनिंग यही बना या नहीं? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है लैम्डा जी, वो कम से कम एम होगी, मतलब एम या उससे ज्यादा हो, तो ऐसा लिख सकते यस हैं। सर, यस सर, यस चलो सर, अब बच्चों अपनी कॉपी में देखो तो सबसे पहले एम क्या लिखा हुआ है आपने? तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा तो यहां से क्या प्रूव कर दिया आपने? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, ये प्रूव करना था। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होगी वो अलजेब्रिक के बराबर या उससे कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। क्या पूरा रिजल्ट समझ में आया आप लोगों को? देखिए तो आराम से, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, आराम से समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। सर, सर ये एटलीस्ट एम वाला सर दोबारा बता दो। अच्छा, ठीक। मैं ये कह रहा हूं ना, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कोई एक्सप्रेशन, हेलो, यस सर, अच्छा, तो अगर मैं कोई इक्वेशन ऐसा लिख रहा हूं, ये लिखा हुआ है मैंने, तो लैम्डा किस ऑर्डर का रूट है? एटलीस्ट 10 है या नहीं? इस सिचुएशन में कुछ और भी है ब्रैकेट में, हो सकता है यस सर, लैम्डा कुछ और भी आ जाए, लैम्डा के एट रात फैक्टर और भी आ जाए, मुझे नहीं पता। हाँ ओके सर, अच्छा, तो अब इधर आते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 पे गौर करिए। तो इक्वेशन 2 में लैम्डा माइनस एक्स की पावर एम के अलावा डिटरमिनेंट कुछ और भी है, पता नहीं क्या क्या है उसमें, यस सर, तो इसलिए कहा गया है। तो इस प्रूफ में मुझे सबसे सही जो लगता है वो वहां पर लगता है जिस समय आप पी इनवर्स इंटू पी तो आइडेंटिटी हमेशा कह देते हैं मशीन की तरह, लेकिन यहां थोड़ा आज आपने पी इनवर्स इंटू एक्स बोला ना आपने, x1, यस सर, उससे क्या बनेगा? मतलब पी इनवर्स जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा x1 x2, भाई उसी से तो आइडेंटिटी बन रहा है, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम कब बनेगा, ये वाला जो तोड़ तोड़ के आपने समझा यही मेन था।
ये वाला जो था, ये जहां पर मैं कर्सर घुमा रहा हूं, अगर आप लोग ये समझ पाए, बाकी ऐसा कुछ है नहीं बहुत बड़ा, वो बाकी चीजें समझ में आ जाती हैं। और दूसरा, अगर पी में सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो नॉन सिंगुलर होगा, डिटरमिनेंट नॉन, उस तो इनवर्टिबल हो जाएगा वो। भाई जो लीनियरली डिपेंडेंट अगर कोई आ गया, तो आप जानते हैं रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन से आप उसकी जो जीरो 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 ले आते हैं, रैंक निकालने में करते क्या हैं आप, यही तो काम करते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। तो जो डिपेंडेंट है उसकी जो जीरो ले आते हैं, लेकिन अगर एक भी रो जीरो आ गई या कॉलम जीरो आ गया, तो किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट तो जीरो हो जाएगा। तो फिर ये भी समझो कि अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है सारे, तो फिर डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। ये ज्यादा तेज हो गया ये लाइन? नो सर, अरे भाई बाकी लोग भी बता देना यार, कोई इस चीज नहीं समझा पाया मैं तो बोलिएगा प्लीज। बच्चों आप लोग अपना समय लगा रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पर, तो आप जब बैठे हैं तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आप कहिए कि सर हमें ये नहीं आ रहा है समझ में, मैं बताऊंगा। और अगर आ गया है तो अच्छी बात है पूरा। तो ये काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट्स में से एक होता है, इसमें नोट करके एक आध छोटे पॉइंट लिखे जा सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं, लेट अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी को कुछ मान लेते हैं, अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा बाय के। तो फिर आपने ये प्रूव कर दिया के ग्रेटर देन एक, या एम ग्रेटर देन जी, एक ही बात है आप कह रहे हैं, ज्योमेट्रिक मतलब लेस देन इक्वल टू जी है। अच्छा अब एम था क्या, याद है आपको? एम एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई था या नहीं, याद आ रहा है? एन माइनस आर यस सर। इतने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन थे या नहीं इक्वेशन के, और जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं वही आपने एम माने हैं, मतलब जो एम है बेसिकली वो एन माइनस आर ही है। यस सर। तो यार फिर जब आप कह रहे हो कि जब एम लेस देन के है तो दिस इंप्लाइज एन माइनस आर लेस देन इक्वल टू के, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। तो यहां से आपके पास आ जाएगा एन माइनस के लेस देन इक्वल टू आर। तो आर क्या था? रेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि आर है इक्वल टू एन माइनस के। ये रिजल्ट भी आपके काम आता है कई बार, टेस्ट रेंट इससे के बराबर या इससे कम ही होगी, ज्यादा ही होगी, कम नहीं हो सकती। किससे? एन, एन क्या है? एन बाई एन का मैट्रिक्स था आपके पास, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी कह सकते हो। और के क्या है? अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा की। तो फिर ए माइनस लैम्डा आई की जो रैंक होगी वो कभी भी एन माइनस के के बराबर या उससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं हो सकती। क्या मैं समझा पाया ये बात आप लोगों को? सबको देखिए, सब लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक स्टूडेंट ने पूछा भी है सुबह, ये तो क्वेश्चन है हमारे पास। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, तो ऑफ एन बाई एन कर लेते हैं, आर टू एन बाई एन मैट्रिसेस, तो दो तो स्क्वायर भी हो गए और सेम ऑर्डर के हो गए, देन प्रूव दैट
ए बी एंड बी ए हैव सेम आइगन वैल्यूज तो दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो ए बी और बी ए के आइगन वैल्यू सेम हो रहे हैं, ये प्रूफ करना है। तो मैं मान लेता हूं जो ए है या स्क्वायर तो है, तो इसके रैंक आर मान लेते हैं, तो फिर आपको दो मैट्रिसेस मिलेंगे। आपने पहले भी पढ़ा है रो ऑपरेशन से, देयर एग्जिस्ट टू नॉन सिंपलर मैट्रिसेस, नॉन सिंपलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट अगर आप पी और क्यू से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने रैंक है उतने फॉर्मेट में आ जाएगा आई आर, बाकी नॉर्मल फॉर्म थी ये, ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये सही बात है, याद आ रहा है आप लोगों को ऐसा यस सर, रैंक में पढ़ा था? यस सर। ठीक, नो अच्छा पी ए बी पी इनवर्स कर रहा हूं मैं, तो क्या मैं इसे ऐसे ले सकता हूं पी ए क्यू, अब क्यू लिखा तो क्यू इनवर्स करना पड़ेगा ताकि वो हटे ना ये, और बी पी इनवर्स मतलब इसको दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के तौर पर ले सकते हैं, यस सर, तो यस सर। पी ए पी इनवर्स इक्वल टू ऐसा लिख दिया। सपोज क्यू इनवर्स बी पी इनवर्स, अब हमें तो पता नहीं है कैसा है, तो हम इसको ब्लॉक मैट्रिक्स में तोड़ देते हैं, सी वन वन सी वन टू सी टू वन सी टू टू, वेर सी वन वन को हम ऐसे करते हैं आर ऊपर रैंक है हमें मल्टीप्लाई करना, तो सी वन वेर हम लिख देते हैं सी वन वन को, अभी हैंड हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट। तो सी वन वन को आर बाई आर मैट्रिक्स लिख दीजिए तब तक, वेर सी वन वन इज आर बाई आर मैट्रिक्स, इस तरह से तोड़ा है हमने, जो सी वन वन पे ही फोकस है हमारा, तो ब्लॉक मैट्रिक्स इसीलिए काम के होते हैं कई बार, आपने तोड़ दिया। ठीक है, अब आपके पास देखिए प्लीज ये मैट्रिक्स भी है और ये मैट्रिक्स भी है ऊपर देख लीजिए, हेंस पी ए बी पी इनवर्स, अब आप लिख सकते हैं आई आर 0 0 0 ये नल मैट्रिक्स, सी वन वन सी वन टू सी टू वन सी टू टू मल्टीप्लाई करिएगा तो सी वन वन आएगा सी वन टू आएगा, देखिए रो बाई कॉलम वैसे ही करिए, तो आई यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को तो वही रहेगा, बाकी नल मैट्रिक्स से करेंगे तो 0 0 आएगा। क्या मैं ये समझा पा रहा हूं आपको? देखिए यस तो सर, यस सर, आप इनको एलिमेंट समझ के मल्टीप्लाई कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो पी ए ए बी जो था ये जो ए बी था उसके साथ पी पी इनवर्स किया, अब मैं ऐसा करता हूं क्यू इनवर्स बी ए क्यू ले लेता हूं, तो उसको भी मैं क्यू इनवर्स बी पी इनवर्स और पी ए क्यू ले सकता हूं, देखिए तो ये पी इनवर्स और पी हट जाएंगे बी ए ही आएगा,
ठीक है, ये यही है, जरा देखिए तो जो ऊपर थे ये बस ऑर्डर आगे पीछे है ये वाले। अच्छा यस सर। तो फिर मैं फिर इनको लिख रहा हूं C11, C12, C21, C22, IR0। ठीक, तो क्यू इनवर्स BAQ, तो बच्चों जब ये मल्टीप्लाई होगा तो C11 आएगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, यहाँ नल मैट्रिक्स C210। क्वेश्चन नंबर 3, क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? देखिए ये तो कैलकुलेशन पोर्शन है वैसे। ये ठीक है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, नो सर। ये क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को जरा सा ऑब्जर्व करिए। तो पहले में है पी ए बी पी इनवर्स, दूसरे में है क्यू इनवर्स बी ए क्यू। तो करेक्टरिस्टिक रूट्स दोनों के इक्वेशन 2 3 से C11 की वजह से ही तो आएंगे जो होंगे, नहीं यस सर। आएंगे अगर आप डिटरमिनेंट करोगे। अरे भाई करेक्टरिस्टिक रूट के लिए माइनस लैम्डा आई करना होता है ना, तो क्या आएगा पहले का डिटरमिनेंट? C11 माइनस लैम्डा। प्रिंसिपल यस डायरिवेटिव सर। देखो, और यहाँ 0 माइनस लैम्डा, यहां भी तो वही आएगा नीचे वाले में भी। तो यस सर। फिर दोनों के सेम आइगन वैल्यूज आ रहे हैं, तो अब आप ही बताइए क्या कंक्लूजन निकल जाएगा या अभी भी समझाना है? यस सर, निकल जाएगा। मैं लिख देता हूं अब, अगर आपको बात समझ में आ रही है बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल पे ड्रॉ करिए बस, हो गया। तो मैं अब लिख देता हूं, अगर यहां तक क्लियर है। क्या लिखा है यार? अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, वी ऑब्जर्व दैट आइगन वैल्यूज ऑफ पी ए बी पी इनवर्स एंड क्यू इनवर्स बी ए क्यू आर द सेम। और किस्टे जैसे होंगे एज दोज ऑफ C11। और बाकी यहां से आएंगे कितने रूट, ये आर है, ये C11 जो था आर बाई आर का है, टोटल एन बाई एन है, तो ये मैट्रिक्स कितने का हुआ बच्चों? एन माइनस आर माइनस लैम्डा। तो यहां से आर दोज ऑफ दिस आप ऐसे भी ले सकते हैं, अलोंग विद एन माइनस आर रूट्स इज इक्वल टू 0। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, आपको शायद नहीं आ रहा समझ, मुझे लगता है। देखिए प्लीज, इस वाले में डिटरमिनेंट लेंगे तो C11 माइनस डाई 0 C21, और यहाँ 0 माइनस लैम्डा। अगर आप इसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो प्लीज आप ध्यान रखिए, ये आर बाई आर मैट्रिक्स है, तो ये क्या हुआ? टोटल एन बाई एन है,
एन माइनस आर मैट्रिक्स हुआ या नहीं? यस अब अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं बच्चों, तो इस वाले में आप बताइए ये लैम्डा कितनी बार आएगा? अरे माइनस लैम्डा आई है इसका डिटरमिनेंट, तो माइनस लैम्डा की पावर, सर। और आप इसको क्या जीरो करते हो? यहां तो सब लैम्डा जीरो आएगा, कितनी बार आएगा ये? -8 तो आपके जो आइगन वैल्यूज हैं वो इसके आइगन वैल्यूज और साथ में इसके आइगन वैल्यूज आएंगे या नहीं आएंगे, सोचो। हाँ, ये वाले के आइगन वैल्यू सब जीरो ही होंगे, वो भी एन माइनस आर बार। क्या मैंने यही लिखा है? जरा देखिए तो पढ़िए। यस सर। हाँ, तो C11 के और बाकी एन माइनस आर रूट होंगे, वो हर एक जो होगा वो जीरो ही होगा बस। अच्छा, हम ये जानते हैं ऑल्सो कि कभी भी ए बी हो और पी ए बी पी इनवर्स हो तो इनके आइगन वैल्यू सेम होंगे ना। यस सर। हैव सेम आइगन वैल्यूज। ऐसे दूसरे के लिए सिमिलरली बी ए एंड क्यू इनवर्स बी ए क्यू हैव सेम आइगन वैल्यूज। तो फिर यहां से क्या मतलब हुआ? जब इन दोनों के आइगन वैल्यू सेम है तो इन दोनों के भी सेम होंगे या नहीं? ए बी एंड बी ए सेम आइगन वैल्यूज। तो क्वेश्चन ये था। फिर तो अल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी वाला क्वेश्चन था बच्चों। एक क्वेश्चन ये था कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेज हैं सेम ऑर्डर के, तो ए बी और बी ए के आइगन वैल्यू सेम होंगे। आपने ए के रैंक को आर मान लिया और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये आपने थोड़ा सा ये खेल किया बस, पी ए बी पी इनवर्स को ऐसे लिख दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। वैसे सभी लोग सहमत हैं या नहीं है, मैं ये जानना चाहूंगा। यस सर। यस सर। चलो ठीक है बच्चों, फिर इसमें इतना ही करते हैं अभी। अब नंबर थ्योरी है।